नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में वीर सिंह सहरावत जी हैं, जो कि हर्षविहार से रहे पूर्व निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी, वहीं किसान मोर्चे के अंदर जो जिला नवीन शादा है उसमें उपाध्यक्ष पद पर आसीन है। इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे सहरावत जी वर्तमान स्थिति के बारे में, दिल्ली के हालात इस समय खराब हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को माता के दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो संकट की घड़ी है चल रही है जी, जो बीमारी की घड़ी चल रही है, इससे उबार है, मेरे देश को, मेरे भारत को, सभी सज्जनों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाए, इसी में माता से कामना करता हूँ। क्योंकि आज हिंदू नववर्ष विक्रमी नव संवत 2078 शुरुआत हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज जो असली हमारा नववर्ष है वो तो यही है, यही है जो आज शुरू होने जा रहा है। बाकी तो अंग्रेजों की देन है, जिसको हम जनवरी फरवरी मार्च कहते रहते हैं, बाकी तो साढ़ सावन भादों कुआर कहते हैं, आगन फूस महा फागुन चैत बैसाख, ये हमारा असली हिंदू नववर्ष है। वही दिल्ली के हालत खराब हो रहे हैं। दिल्ली की हालत तो अगर मैं कुछ कहूँगा, आप कहोगे पार्टी पोषण बात रही, केजरीवाल महाराज की कृपा है सब जी, जो दिल्ली की हालत उन्होंने खराब कर रखी है। ऐसे समझ में, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आज दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा, दिल्ली सरकार कोई काम करके राजी नहीं है, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का सारा झूठ, झूठ बोल बोल के तो मुख्यमंत्री बन गए जी। बिजली पानी की अब एक बात बताओ, जो आदमी 200 रुपये 2000 रुपये अपने परिवार को खर्च कर सकता है, 5000 खर्च कर सकता है, 200 रुपये नहीं कर सकता क्या जी? लेकिन ये कि लालच, झूठा लालच दे रखा और वो ये, भी कहीं ये, ये कुल मिला के आपका ये कहने का मतलब है, जो ये फ्री का लालच दिया ये उसकी देन, ये लोगों को आलसी बना रहा है जी, ये लोगों को आलसी बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जनता को पता ही नहीं है, कहीं कहीं से हमसे निकाले जा रहे हैं पैसे। तो भाई ऐसा अगर कहीं 500 रुपये का सरकार फायदा कर रही है तो हो सकता है हमसे 5000 रुपये कहीं कहीं से निकाल रही है। नौजवानों की बात करें, उन्होंने उम्र घटा दी शराब पीने की 25 साल से 21 साल। शराब हाँ बताओ, कितना बुरा अन्याय किया जा रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ में, युवा पीढ़ी के साथ में, कि अब से पहले 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं मिलती थी ठेकों से, अब 10 साल का लिया 19 साल 17 साल तो कहने में, बाकी 10 साल के बच्चे को भेज दो केवल केवल आय का स्रोत बढ़ाने के, सिर्फ ओनली बर्बाद होता है घर, हो जाओ हो जाओ, अगर बर्बाद हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी दिल्ली वासी अगर होते तो हो जाओ, उनको कोई चिंता नहीं है जी। उनको तो अपनी एड़ों का खर्चे, वो फिजूल खर्चे वो निकाल ले। लेकिन सहरावत जी, ऐसे में अगर हम दिल्ली की जनता की भी बात करें तो वो भी फ्री, केजरीवाल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है क्योंकि फ्री मिल रहा है। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कुछ लोग हैं 10-5% लोग जिनको समझ नहीं है, बाकी अब समझ आ गई है जी कि इनके झूठे झांसे में आने वाले टाइम में कहां समझ में आई है। उपचुनाव के अंदर देख रहे हैं 5 में से 4 सीटें झाड़ू सीट नहीं, वो तो देखो जहाँ विधानसभा में जो सरकार बना के बैठे हैं, दिल्ली सरकार बना के बैठी है, फर्क पड़ता है सरकार का, ऐसा उनने वहाँ पे क्या चालाकी, क्या बेईमानी, क्या उल्टे सुलटे खर्चे किए जनता को, कहाँ उनने हेराफेरी करी है, वो तो वही जानता है। पढ़ी लिखी जनता भी क्या नाम है उपचुनाव में बह गई? नहीं पढ़ी लिखी जनता तो नहीं बही, लेकिन पढ़ी लिखी जनता का तो एक हाल और है ना, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे कार्यकर्ता वोटर हैं, वोटरों का मैंने देखा है, प्रीतविहार जैसे क्षेत्रों में मैं जाता हूँ चुनाव प्रचार वगैरह में, तो 20-30% तो वोटिंग ही होती है, कहीं 40 हो गई तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात है जो हमारे वोटर हैं वो सोचते हैं हम जीते पड़े हुए हैं बिल्कुल, और वो चले जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, अरे हम वोट ही नहीं देंगे तो जीतेंगे कहाँ से। कुल मिलाकर के आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को हम मजबूत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पढ़ा लिखा तबका, आपका कहना सही है, वो पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जो उस दिन छुट्टी होती है, छुट्टी वो सोचते हैं चलो यार हम जीते पड़े, हमारा कैंडिडेट तो जीत ही जाएगा बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हम वोट तो डाल ही नहीं रहे, जीत कैसे जाएगा जी, ऐसे वो चले जाते हैं। अगर हम बात करें पॉश इलाकों की, दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह, वो वोट नहीं डालते, प्रीत विहार ऐसे सुरन विहार, ऐसे विहार हैं जहाँ पर हमारा वोटर, मैं समझता हूँ 99% बीजेपी का वोटर है जी, लेकिन वोट डालने में वो आलस करते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं जी। तो मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ तो उनको पहले वोटिंग करो, वोटिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी सरकारों को, गंदी सरकारों को कहां से कैसे निकाल पाओगे। क्योंकि वोट देने की लाइन में तो लगता देखने में आता है कि झुग्गी झोपड़ी तबका लगा होता है या मुस्लिम समुदाय, जो बिल्कुल लाइन नहीं टूटती, लाइन नहीं टूटती उनकी, क्योंकि उनके पास, उनको क्या कहूँ कि वो लालची लोग हैं जी, और लालच भी उनके अंदर ज्यादा है जी, ऐसा। लेकिन जो हमारे हैं, हम हैं, हम लोगों को वोट करना चाहिए, और मैं तो मुस्लिम समुदाय हो या गरीब तत्व के लोग हो या मजदूर वर्ग के हो, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि 200 रुपए के फायदा मत देखो, 30 दिन के जगह 32 दिन काम करो, महीने में ओवर टाइम करो, अच्छा रोजगार करो, लेकिन ऐसी सरकारों को, लालची सरकारों को, झूठी सरकारों को वोट नहीं करना चाहिए।
दिल्ली के अंदर 2022 क्या नजर आता है आपको? 2022 नजर आ रहा सीधा, इस बार बीजेपी आएगी, निगम में भी आएगी, दिल्ली सरकार में भी आएगी। मतलब आ रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल आ रही है। इस बार जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत समझ गई है। वो तो अलग बात है कि आज केजरीवाल के लिए बाय बाय इसलिए कर देते हैं कि उनको जो फायदा मिल रहा है वो नहीं मिले जी। लेकिन सहरावत जी, आप भी क्या नाम है हर्षविहार से निगम पार्षद रहे, वर्तमान पार्षद की बात करें तो पार्षद क्या नाम है जनता से गायब है, जनता के बीच से गायब है। नहीं ऐसा तो नहीं होना, तक नहीं उठ रहा कूड़ा तक उठ रहा हर्षविहार के, ये हालात है। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रखी है। नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, बाकी अगर ऐसी बात है तो हम पार्षद से बात करेंगे जी। मैंने तो देखा कि पार्षद हमेशा घूमती रहती है, हमारी ऐसी बात थी। आपके समय में सुबह आँख खुलती थी, बाद में सफाई पहले हो जाया करती थी। नहीं देखो सभी ये पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, फर्क तो होता ही है जी। फर्क तो होता ही है, 19-20 का फर्क तो हर आदमी में होता है, हर एक सिद्धांत में, व्यवहार में, सब चीज में होता है जी। मैं एक जेंट्स था और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी, और मुझे आप जैसे मीडिया वाले सुबह कुरेद देते थे जी, अरे यार वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा, चलो भैया देखते हैं क्या हो रहा, तो हम अधिकारियों के साथ लेके चलते थे। जितना कार्य आप लोगों ने करा, वर्तमान पार्षद तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं वर्तमान पार्षद एक बात देखते सोचे तो करे कहाँ से, केजरीवाल तो कुछ दे ही नहीं रहा है। सफाई तो कर सकते हैं, सफाई करना एक पार्षद का कार्य है, चूना लगाना पार्षद का कार्य है, लेकिन वो भी नहीं लग रहा। नहीं सफाई तो हो रही है, हो सकता है कहीं 19-20 सौ बात अलग है, लेकिन सफाई हो रही है ऐसी कोई बात नहीं है। बट केजरीवाल ने इतना तंग कर रखा है निगम को कि जो निगम का बनता है, जो भी फंड बनता है निगम का, उसको समय से रिलीज करता ही नहीं है। दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामना देंगे? रामनवमी भी आ रही है और आज मैं तो दिल्ली की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो छोटे मोटे लालच हैं इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, इन लालचों से जीवन पूरा नहीं होगा। हम अपनी मेहनत करके ही खाएंगे, मेहनत से ही कमाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, अपने बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, तभी हमारा जीवन संपन्न होगा और जब ही जीवन निकलेगा। इसलिए ऐसे लालचों में नहीं आए जनता। दूसरी बात, मैं माता रानी से मैंने अभी प्रार्थना की, फिर एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिल्ली वासियों को सद्बुद्धि दे, इस कोरोना की महामारी से बचाए और इस भ्रष्ट सरकार से बचाए। वही पौश इलाके में रह रही जनता से भी क्या अपील करेंगे वोट देने के लिए? मैं उनसे निवेदन करता हूं, जो पास इलाकों में रह रहे हैं, जो हमारे रईस लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ऑफिसर हैं, कि पहले वोट करें, उसके बाद में ही कहीं घूमने जाएं, अवश्य वोट करें। वोट बीजेपी को करें या किसी पार्टी को करें, लेकिन वोट जरूर दें, वोट जरूर दें। और मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा जो तत्वा है वो तो बीजेपी को ही वोट करता है, इसलिए उनसे मैं खासकर निवेदन करता हूँ वोट जरूर करें, खुद करें, अपने परिवार से कराएं, अपने मिलने वालों से कराएं, वोट जरूर कराएं।